वेलकम बैक टू माय चैनल सुनम पाले लाइक स्टोरीज में आपका स्वागत है। तो ये मॉर्निंग से व्लॉग स्टार्ट किया है मैंने। ये बच्चे लोग स्कूल जा रहे हैं और अचानक से मुझे याद आया कि मुझे अपना व्लॉग थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। और ये ना यहाँ पे बहुत बारिश हुई थी रात को, तो जहाँ मतलब थोड़ा थोड़ा गड्ढा टाइप का है ना थोड़ा सा, तो वहाँ पर पानी रुका हुआ है। बाकी और अदरवाइज़ हर जगह का पानी सूख गया है। और हाँ, एक बात और, मेरी जो आवाज़ फस फस के आ रही होगी तो वो ना मुझे सर्दी हो गई है, तो थोड़ा सा आप लोग इग्नोर कीजिएगा, बाकी वीडियो को एंजॉय कीजिए। तो ये बच्चे लोग स्कूल जा रहे हैं और ये जो छोटा वाला है ना, आज उसका मन नहीं कर रहा था जाने का, लेकिन फिर भी मैं इसको ज़बरदस्ती लेके आई। और अब हम लोग यहाँ वैन का वेट कर रहे हैं और मैं इसको बोल रही हूँ कि बेटा जरा इधर भी तो देख लो। तो वो छोटा वाला भी मुझसे गुस्सा है, बोल रहा कि नहीं मम्मी मुझे स्कूल नहीं जाना। मैंने बोला कि स्कूल जाना तो ज़रूरी है। और स्कूल पहुंचाने के बाद ये वैन आ गई थी तो लेके गई, तो उसके बाद मैंने अपने लिए थोड़ा सा ये थोड़ा सा छान लिया। और उसके बाद अब मैं थोड़ा सा चाय पीऊँगी और थोड़ा 10 मिनट आराम करूँगी, क्योंकि बच्चों को नहलाना धुलाना और नाश्ता देने में थोड़ा सा पहले उठना पड़ता है। और मुझे ना सुबह जल्दी जागना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पता नहीं सब लोग कैसे जागते हैं, बट मुझे पसंद उतना नहीं है, और फिर भी जल्दी उठना पड़ता है। तो यहाँ मैंने दोबारा से चाय बनाई, क्योंकि सुबह एक बार बना चुकी थी तो पहले का बना हुआ चाय नहीं पीते, इसकी वजह से। आपका स्वागत है, कैसे हो आप लोग? आए कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मेरे दोनों बच्चे जो स्कूल से आ चुके हैं वो क्या कर रहे हैं, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। क्या कर रहे हैं बात की इन लोगों का यह हाल। अभी मैं दिखाती हूँ कि पूरे बिस्तर का क्या कर रखा है। देखो पूरे बिस्तर का ये हाल है। तो इन लोगों के जी में यही काम है। और आयुब के आप लोग बहुत अच्छे होंगे, देख रहे हैं किस किस के बच्चे ऐसा करते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मैं आ गई हूँ अपने किचन में। चलिए तो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से शाम को।